सो आज हम करेंगे क्लास 10 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें गिवन है फाइंड दी सम गिवन बिलो। हमें इनका सम निकालना है, हमें एपी गिवन है। सो एपी फर्स्ट पार्ट की एपी क्या गिवन है, 7 प्लस 10 वन बाई टू प्लस 14 एंड लास्ट सम प्लस 84। सो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7, ए एन हमारे पास क्या हो गया 84, डी हम निकाल लेते हैं a2 - a1, ए टू की वैल्यू क्या गिवन है 10 वन बाई टू माइनस 7। अब इसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक समझाओ, 10 में से 7 गए कितना आता है 3 वन बाई टू, सॉरी 10 में से 7 गए दैट इज 3, 1 बाई टू का 1 बाई टू। ठीक है, नॉर्मल भी करके देख दिखा देती हूँ, 10 टू द 20, 20 प्लस 1 20 वन बाई टू माइनस 7, 7 का 7 सॉरी 2 का 2, 2 के में 2 सेम है तो ऊपर की वैल्यू सेम, 1 के में 2 2 पे आता है 7 टू द 14, तो 21 में से 14 गए दैट इज 7 अपॉन 2। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लो, 3 टू द 6, 6 प्लस 1 7 बाई टू, तो सेम ही आएगा किसी भी तरीके से, या इस तरीके से या इस तरीके से किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, सो अब हमारे को ए एन की वैल्यू 84 गिवन है, ए हमें 7 गिवन है, डी हमने निकाल लिया, सो हम अब सम निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए हमें एन चाहिए, बट यहाँ पे एन तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। एन कैसे निकलेगा, ए एन प्लस इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 84, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू 7 अब बाय में 2। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 84 में से 7 गए दैट इज 77, ये इधर मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, रहेगा तो मल्टीप्लाई का ही लेकिन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2 बाय 7 इक्वल टू एन माइनस 1, 7 वन द 7, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 11 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, सो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23। सो अब हम एस एन निकालेंगे, एस एन कैसे निकालेंगे, एन बाय 2 और जिसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस ए एन, ए एन या एल। ठीक है, एन बाय 2 की एन की वैल्यू क्या गिवन है 23 बाय 2, ए की वैल्यू 7, ए एन हमें क्या गिवन है 84, तो 23 बाय 2 7 प्लस 84 दैट इज 91, 23 बाय 2 इंटू 91, इसको सॉल्व करेंगे हमारी आंसर आ जाएगा 2093 एंड 2। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ सम निकल गया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो अब करते हैं इसका पार्ट सेकेंड, जो कि हमें गिवन है 34 प्लस 30 2 प्लस 30 एंड ए एन हमें कितना गिवन है 10। सो ए की वैल्यू क्या होगी 34, डी की वैल्यू क्या होगी 32 माइनस 34, सो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। ठीक है, ए एन कितना हो गया 10, तो यहाँ पे भी हमें एन निकालना पड़ेगा। पहले एन कैसे निकालेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 10, ए की वैल्यू 34 एंड हमें निकालना है तो सेम का सेम लिख देंगे, डी की वैल्यू माइनस 2, ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी हम सेम का सेम लिख देंगे, 34 में से 10 गए दैट इज 24, ये इधर मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 वन दा 2, 2 को 22 को 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, एंड माइनस 1, ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, सो एन की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, एस एन का एस एन, एन बाय 2 ए प्लस ए एन, अब हम सम निकाल रहे हैं, ए एन की जगह आप एल भी लिख सकते हो क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म गिवन है, तो ये लास्ट टर्म भी एंड ए एन कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आई है 13 बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 34, ए एन की वैल्यू क्या है 10, 13 बाय 2 34 प्लस 10 दैट इज 44, 2 वन द 2, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 22, 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 286। तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे।
थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, -5, -8, -11 एंड -230। सो ए की वैल्यू क्या होगी, -5। बी की वैल्यू निकालते हैं, a2 - a1। a2 की वैल्यू क्या गिवन है, -8, माइनस का माइनस। a1 की वैल्यू क्या गिवन है, -5। सो इसको सॉल्व कर लो, -8 का -8, -, प्लस। सो डी की वैल्यू क्या आ गई, -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए 3 और साइन बड़ी वैल्यू का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, -3। ए एन की वैल्यू हमें क्या आ गई, वन है -230, ठीक है। सब हम एन निकाल लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या गिवन है, 230। ए की वैल्यू क्या गिवन है, -5, प्लस एन माइनस वन का एन माइनस वन। डी की वैल्यू क्या दे रखी है, -3। ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का एन माइनस वन का एन माइनस वन मल्टीप्लाई -3 का 3। अब प्लस माइनस माइनस, 230 में से 5 गए दैट इज 225, और बड़ी वैल्यू का साइन दैट इज माइनस, एन माइनस वन इंटू -3। ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, और 225 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 75, इक्वल टू एन माइनस वन। ये 1 इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। सो एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 76। अब हम सम निकाल लेंगे, ठीक है। सम कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस ए एन। एन की वैल्यू क्या गिवन है, 76 अपॉन बाय में 2। a की वैल्यू क्या गिवन है, -5, प्लस ए एन की वैल्यू क्या गिवन है, -230। 76 को 2 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38, ठीक है। -5 का -5, प्लस माइनस माइनस, सो 38 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का दैट इज़ 235। 235 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8930। सो सम हमारा कितना आ गया, 89 - 8930, 8930 हमारा सम आ गया, ओके। सो पार्ट थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का, ओके।